प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यूपी में दूसरा दिन था। रविवार को आजमगढ़ से पीएम मोदी ने देश भर के 15 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा, मैं दूसरी मिट्टी का बना हूं, क्योंकि पहले चुनाव के मौसम में नेता पत्थर लगा देते थे, फिर पत्थर भी गायब और नेता भी गायब हो जाते थे। उन्होंने कहा कि मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं और देश को तेज गति से दौड़ा रहा हूं। 2024 में किए जा रहे शिलान्यासों को कोई चुनावी चश्मे से न देखे, क्योंकि हमने जो शिलान्यास किए थे उनके उद्घाटन हो चुके हैं। आजमगढ़ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को स्मृति चिन्ह दिया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ पहले अपराध और माफियाओं का गढ़ था, मगर 10 साल में आजमगढ़ की पहचान बदल गई। इससे पहले सुबह वाराणसी में पीएम ने बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस में 100 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी। आइए जानते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कहा। पीएम अपने संबोधन के दौरान कहा कि यूपी जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टिकरण का जहर कमजोर हो रहा है। परिवारवादी लोग बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को गाली दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का परिवार नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि देश की 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार है, पीएम ने कहा। हमारी सरकार किसानों की उपज का सही मूल्य दे रही है। आजमगढ़ गन्ना बेल्ट कहा जाता है। आपको याद है कि पहले की सरकारें कैसे गन्ना किसानों को तरसाते थे, रुलाते थे। यह भाजपा की सरकार है जिसने गन्ना किसानों का हजारों करोड़ का बकाया भुगतान किया। साथियों, उत्तर प्रदेश जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टिकरण का जहर भी कमजोर पड़ रहा है। पिछले चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे, वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। इसलिए परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार है। और इसलिए आज हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज हो रही है, हर कोई कह रहा है, मैं हूं। इस बार भी यूपी की पूरी सफाई में आजमगढ़ को पीछे नहीं रहना है। और मैं ये जानता हूं, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि आजमगढ़ जोन चा जाला ऊ कर लेवला। इसलिए मैं इस धरती से यही आह्वान करता हूं, जो देश कह रहा है, जो उत्तर प्रदेश कह रहा है, जो आजमगढ़ कह रहा है, उसी का मैं आह्वान करता हूं, अब की बार 400 पार। वही पीएम मोदी ने कहा, चुनाव के मौसम में पहले क्या हुआ करता है, पहले की सरकारों में बैठे लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए योजनाओं की घोषणाएं करते थे। कई बार तो उनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती थी कि संसद के अंदर रेलवे की बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, पत्थर लगा देते थे, फिर पत्थर भी गायब और नेता भी गायब हो जाते थे। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि मोदी दूसरी मिट्टी का बना है। साथ ही पीएम मोदी ने 34,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए। इसमें 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और 3 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इसके बाद इन प्रोजेक्ट पर एक शॉर्ट फिल्म दिखाई गई। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।